हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में मैं आपसे परफेक्ट डोसा बनाने के कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ। वीडियो में हम देखेंगे कि आपको चावल और दाल का क्या रेशो लेना है जिससे कि आपके डोसे बराबर बने, और साथ ही में आपको जो बैटर है उसे किस तरह से फर्मेंट करना है। कई बार हमारा बैटर जो है वो प्रॉपर तरीके से फर्मेंट नहीं हो पाता है तो हमारे डोसे जो हैं वो अच्छे नहीं बनते हैं। तो क्रिस्पी डोसे बनाने के सारे टिप्स इस वीडियो में आपको मिलेंगे, तो शुरू करें। तो मैंने यहाँ पर 1.5 कप जितने चावल लिए हैं और 1/2 कप जितनी उड़द की दाल ली है। ये मैंने रेगुलर चावल लिए हैं और 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर चना दाल ली है। अब दालों को हम दोनों को मिक्स करके वॉश कर लेंगे और राइस को भी हम वॉश कर लेंगे। तो दोनों को आप 3 से 4 बार अच्छे से वॉश कर लें। चावल जो है वो आप डोसे वाले जो चावल आते हैं या जो कढ़ी वाले चावल जिन्हें बोलते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। क्वांटिटी जो है वो सेम ही रहेगी। दाल और चावल की क्वांटिटी का जो रेशो है वो 3:1 का रेशो है, यानी कि अगर 3 भाग आपने चावल लिए हैं तो 1 भाग आपको उड़द की दाल लेनी है। ज़्यादा उड़द की दाल ले लेंगे तो आपके डोसे जो हैं वो हार्ड बनेंगे। और यहाँ हमने चना की दाल ली है, ये ऑप्शनल है, अगर आप ना चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन चने की दाल डालने से आपके डोसे में अच्छा सा गोल्डन कलर आता है डोसों के अंदर। तो ये मैंने चावल और दाल दोनों वॉश कर ली है, चना दाल और उड़द दाल दोनों को मैंने मिक्स कर लिया है, साथ ही में वॉश की है, और इन्हें अब हम 6 से 7 घंटे के लिए या पूरी रात इन्हें भिगो करके रख देंगे। तो जब भी आप डोसे बनाएं तो या तो आप रात को इन्हें भिगो दें, या फिर अगर आप सुबह गला रहे हैं तो आप इन्हें 6 से 7 घंटे के लिए भीगने दें। तो ये हमारे चावल और दाल दोनों भिगो दिए हैं। अच्छा पानी डालें ज़्यादा, ताकि प्रॉपर पानी मिल सके इन्हें फूलने के लिए। और यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून मेथी दाना लिया है, यानी कि दाना मेथी जो होती है फेनुग्रीक सीड बोलते हैं, ये ली है मैंने। इसके डालने से क्या होता है कि एक तो आपके बैटर जो है वो अच्छे से फर्मेंट होता है, और साथ ही में आपके डोसे के अंदर अच्छे से क्रिस्पीनेस आती है। तो बहुत ज़्यादा दाना मेथी ना डालें, थोड़ी सी डालें, ज़्यादा डालेंगे तो बैटर कड़वा हो जाएगा। तो ये देखिए, नेक्स्ट मॉर्निंग मेरे चावल जो हैं वो अच्छे से सोख हो चुके हैं, दाल भी सोख हो गई है। अब हमें इन्हें ग्राइंड करना है। तो दाल के अंदर जो छिलके हैं आप उन्हें निकाल सकते हैं। ये जो मूंग, ये उड़द की दाल जो है वो धुली हुई उड़द की दाल बोलते हैं इसे, तो ये हमने सोक कर दिया है। अब हम इन्हें ग्राइंड करेंगे। तो हम चावल को और दाल को अलग अलग ग्राइंड करना है। पहले आप चावल को ग्राइंड कर लें मिक्सर के जार के अंदर डाल के, उसके बाद दाल को करें। और चावल को ग्राइंड करते वक्त बहुत कम पानी डालें। पानी जो है वो आप दाल भिगोते टाइम जो आपने पानी डाला है दाल का, वो पानी इसमें यूज़ है। तो मैंने थोड़ा सा पानी डाला है इसे ग्राइंड करने के लिए, और बिल्कुल एकदम फाइन पेस्ट बनाना है हमें इसका। ये देखिए, इस तरह से चावल मैंने पीस दिए हैं बिल्कुल बारीक से। तो 2 बैच में आप चावल पीस लें और फिर दालों को पीस लें। देखिए, फिंगर से आप चेक करेंगे तो बिल्कुल भी चावल जो है वो आना नहीं चाहिए, दाना उसका नहीं आना चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटा मोटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके डोसे जो हैं जब आप तवे पे फैलाएंगे तो वो प्रॉपर तरीके से फैलेंगे नहीं। तो ये हमारे चावल हो गए हैं, इसी तरीके से मैं दाल को भी पीस दूँगी। अब दाल को पीसते वक्त जो दाना मेथी आपने गला रखी है, जो भिगो रखी है, उसे भी इसके अंदर ही डाल दें। तो ये हमारी दाल भी हो चुकी है। दाल को भी बिल्कुल अच्छे से स्मूथ पेस्ट बनाना है, बिल्कुल भी दाल नहीं आनी चाहिए, और पानी जो है वो कम ही यूज़ करें, बहुत ज़्यादा पानी यूज़ ना करें। देखिए, एक बार इस तरह से चेक कर लें फिंगर से। तो अब हम चावल के अंदर जो हमारा दाल का पेस्ट है उसे डाल देंगे। दोनों को आपको अलग अलग ही ग्राइंड करें, एक साथ अगर आप ग्राइंड करेंगे तो प्रॉपर तरीके से ग्राइंड नहीं होगा, क्योंकि चावल को ग्राइंड होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, दाल जो है वो जल्दी ग्राइंड हो जाती है। और दोनों को अच्छे से मिक्स कर लें, 10 से 15 मिनट तक अच्छे से फेंटें। आप यहाँ चाहें तो हाथों से भी इसे फेंट सकते हैं, इसको जितना ज़्यादा आप फेंटेंगे उतना ज़्यादा इसके अंदर गर्माश आएगी, तो आपका बैटर जो है वो फर्मेंट होने में उसको हेल्प होगी, अंदर एयर भी आ जाएगी उसके अंदर। तो इस तरह से हमें इसे फेंटना है ताकि इसके अंदर एयर का वेरिएशन हो पाए और फर्मेंटेशन में ईजी हो। और इस कंसिस्टेंसी का हमें बैटर चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा पतला और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा। और अब हम इसे किसी, आप फर्मेंट करने के लिए इसे एक स्टील के बर्तन के अंदर ले लें, और फिर आपको इसे फर्मेंट होने के लिए छोड़ना है। तो आप इसे
अच्छे बड़े बर्तन में लें, क्योंकि ये थोड़ा सा फूलेगा साइज़ में, तो अगर छोटा बर्तन लेंगे तो वो बर्तन से बाहर भी निकल सकता है। और इसे आपको किसी गर्म जगह रखना है, आप यहाँ चाहें तो आटे के डब्बे के अंदर इसे रख सकते हैं, या फिर जो आपका ओवन है, माइक्रोवेव है, उसको थोड़ा सा प्री हीट कर लें और उसके बाद उसको स्विच ऑफ करके उसके अंदर रख दें। अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो आप इसे किसी भी कंबल में या शॉल में लपेट करके भी फर्मेंट होने के लिए छोड़ सकते हैं। गर्मी है तो फटाफट ही फर्मेंट हो जाता है, 8 से 10 घंटे लगते हैं गर्मी के अंदर उसको फर्मेंट होने में, और अगर ठंडा टेम्परेचर है, सर्दी है, तो 16 घंटे तक भी लग सकते हैं। तो हमें इसे 8 से 10 घंटे बाद चेक करते हैं। तो देखिए, हमारा बैटर जो है वो अच्छे से फर्मेंट हो गया है, एकदम उस पर जाली आ गई है बिल्कुल। और एक और तरीका है कि जब आप जिस ढक रहे हैं उसके ऊपर इस तरह का पानी आ जाना चाहिए, और बैटर जो है वो हल्का हल्का आपको गरम गरम फील भी होना चाहिए, बहुत लाइट गरम फील होगा आपको जब आप उसको टच करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से अच्छे से इसके अंदर एकदम जाली आ गई है, झाग एकदम फुल गया है, बैटर हमारा इतना फ्लफ़ी हो जाए तब तक आपको वेट करना है। उसके बाद इसे अच्छे से फेंटें, और अगर आप तुरंत डोसे नहीं बना रहे हैं तो अब इसे आप फ्रिज में रख दें, क्योंकि अगर आप इसे बाहर रखेंगे तो आपका जो बैटर है वो खट्टा हो जाएगा और साथ ही में थोड़ा स्मेल भी करने लग जाएगा, क्योंकि अब ये प्रॉपर तरीके से फर्मेंट हो गया है। ओवर फर्मेंट अगर हो जाएगा तो आपके डोसे जो हैं वो कड़वे लगेंगे खाने में। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आपको ध्यान रखना है डोसे बनाते वक्त, आपके डोसे एकदम परफेक्ट बनेंगे। अब मैं अभी बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पर 2-3 बैटर, डोसों का बैटर पहले एक बाउल में निकाल रही हूँ। एक साथ सारे बैटर के अंदर नमक ना डालें, क्योंकि नमक अगर आप सारे में डाल देंगे तो भी बैटर जो है वो आपका खट्टा हो जाएगा। अब थोड़ा सा पतला कर लें इसको, जिस कंसिस्टेंसी का आपको चाहिए। अगर आपको मोटा डोसा बनाना है तो इसे थोड़ा थिक रखें, और पतला डोसा बनाना है तो थोड़ा पतला कर लें, वो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, इस कंसिस्टेंसी का मेरा बैटर तैयार है। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर नमक डाल दें, और तवे को जो है वो गर्म होने के लिए रख दें। अगर आप लोहे के तवे पे बना रहे हैं, नॉन स्टिक तवे पे बना रहे हैं, किसी पे भी बनाएं, तवे को पहले एकदम फुल गर्म करें डोसा बनाने से पहले, और उसके बाद उसे पानी छिड़क के ठंडा करें। मैं यहाँ नॉन स्टिक तवे पे बना रही हूँ, तवा मेरा एकदम गर्म है। अब मैं इस तरह से इसके ऊपर पानी डाल रही हूँ अच्छा सा, ताकि इसका टेम्परेचर जो है वो थोड़ा नॉर्मल हो जाए। बहुत ज़्यादा ठंडा तवा भी नहीं होना चाहिए और एकदम गर्म तवा भी नहीं होना चाहिए डोसा बनाने के लिए। इस तरह से उसे ठंडा करें, और फिर किसी कपड़े से सारा पानी जो है वो पोंछ लें। अगर आपके तवे पे ऑयल लगा है तो वो ऑयल जो है वो भी इस तरह से निकल जाएगा। नॉनस्टिक तवे के ऊपर ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप लोहे के तवे पे बना रहे हैं तो उसे अच्छा सा गर्म करें, उसके ऊपर ऑयल लगाएं, और फिर पानी डालकर उसको कपड़े से पोंछ लें, तो आपके डोसे जो हैं वो परफेक्ट बनेंगे, तवे के ऊपर चिपकेंगे नहीं। और तवा जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, बैटर डालें तो वो एकदम चिपक ना जाए, ऐसा इतना गर्म नहीं होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए तवा, मीडियम गर्म होना चाहिए। और बैटर को डाल के इस तरह राउंड स्पून से उसको हल्के हल्के हाथों से फैलाते जाएं, बहुत ज़्यादा प्रेशर अगर लगाएंगे तो वो चम्मच के साथ आने लग जाएगा। तो इस तरह से हमने डोसे को फैला दिया है अब, और बिल्कुल हाई फ्लेम कर देंगे अब, और इसे पकने देंगे। हल्का हल्का गोल्डन हो जाएगा, और जब ये ड्राइनेस आ जाएगी इसके ऊपर, तब हमें इसके ऊपर ऑयल डालना है। अगर आप पहले ही ऑयल डाल देंगे तो आपके डोसे जो हैं वो पैन से हट जाएंगे, तवे पे से हटने लग जाएगा, तो वो थोड़ा सा हार्ड बनेगा। एकदम क्रिस्पी डोसा अगर आपको चाहिए तो उसमें ऑयल जो है वो बाद में लगाएं, और इस तरह से तवे को हिलाते हुए सब तरफ से उसको सेक लें। देखिए, एकदम परफेक्ट फर्मेंटेशन अगर होता है आपके बैटर का, तो इस तरह की झाली जो है वो आपके डोसे के ऊपर आने लग जाती है। और ये देखिए, धीरे धीरे अच्छे से गोल्डन हो रहा है ये। हो सकता है कि फर्स्ट डोसा जो है वो आपका परफेक्ट नहीं बने, लेकिन सेकंड डोसा जो है वो आपको टेक्निक अगर पता चल जाएगी तो आप परफेक्ट बना लेंगे। जब ये इस तरह से ड्राई हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर से सिक जाएगा, गोल्डन कलर आ जाएगा, तब हम इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। ऑयल को अच्छे से सब तरफ फैला लें, आप यहाँ चाहें तो बटर भी लगा सकते हैं। देखिए, एकदम क्रिस्पी होता जा रहा है डोसा, और गैस का फ्लेम जो है वो मैंने हाई रखा हुआ है, एकदम लो फ्लेम पर ना बनाएं। ये देखिए, और ये ऑटोमेटिक साइड्स और छोड़ देगा, बिल्कुल भी आपको इसको निकालने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोहे के तवे पर बनाएंगे तो भी ऐसा ही बनेगा। इसे आप आलू के मसाले के साथ और नारियल की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। सेकेंड डोसा बनाने से पहले तवे को फिर से पानी से
धो लें उसको, ठंडा करें, फिर उसके बाद दूसरा डोसा बनाएं। तुरंत ही गर्म तवे पर ना बनाएं, हर बार यही स्टेप करें। और अगर फिर भी आपके डोसे चिपकते हैं तो आप चाहें तो तवे को वॉश करके भी बना सकते हैं, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा तवे के ऊपर ऑयल होगा तो आपके डोसे जो हैं वो तवे पे चिपकेंगे नहीं और डालते ही उतरने लग जाएंगे। तो हमें कई बार ऐसी प्रॉब्लम आती है कि हमारे 2-3 डोसे बन जाते हैं, उसके बाद जो डोसे हैं वो तवे पे चिपकते नहीं हैं और उतरने लग जाते हैं। तो उसका रीज़न यही है कि आपके तवे के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑयल जमा हो जाता है। तो पहले उस ऑयल को आप क्लीन करें, उसके बाद डोसा बनाएं, बैटर जो है वो परफेक्टली फर्मेंट करें। तो इन टिप्स के साथ अगर आप डोसा बनाएंगे तो आपका डोसा बिल्कुल सही बनेगा। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने एक और डोसा तैयार कर लिया है। तो फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।